राजधानी रायपुर में मानसून सक्रिय होते ही नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। राजधानी में महज दो घंटे की बारिश में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। तेज बारिश से व्यस्तम स्टेशन रोड पर जलभराव के कारण सड़क में गड्ढे हो गए। सड़क धसकने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। रायपुर के विकास और स्मार्ट सिटी की बात करता है, हर गली मोहल्ले पर पक्की सड़क और मकान की बात करता है, लेकिन पहली ही बारिश पर यहाँ पर नगर निगम के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के कई इलाकों पर जलभराव की स्थिति बन रही है, तो कई जगह पर सड़कें भसक जा रही है बारिश के तौर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त का नजारा। राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्ततम मार्ग तेलघानी नाका का इलाका है, जहाँ पर लगभग करीब कुछ महीने पहले ही अगर बात करें तो यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि महज दो घंटों की ही बारिश पर यहाँ पर सड़क भसकती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक गड्ढा हो चुका है, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ पर अंदर सड़क पूरी तरीके से खोखली नजर आ रही है। क्या हम इस तरीके जो स्थिति है, ये सिर्फ एक ही गली मोहल्ले की नहीं, मैं बात करना चाहूँ तो रायपुर नगर निगम के लगभग हर क्षेत्र पर इस तरीके से स्थिति बनती हुई जा रही है। क्या इस तरीके से कार्य को देखते हुए हम नगर निगम की लापरवाही को इसे कहेंगे, या फिर अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल उठाया जाएगा? अब देखना यह होगा कि आने वाले समय पर बारिश में नगर निगम किस तरीके से अपनी तैयारी रखता है। कैमरामैन चोलाराम के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।